इनका रिस्पांस नहीं आया है। जब ये रेट फिक्स करेंगे तो उसके बाद इसकी फाइनेंशियल इंप्लिकेशंस देखकर गवर्नमेंट ये फैसला लेगी कि किस हद तक के लोगों को फ्री दिया जाए। मैं ऐड करना चाहूंगा, आप में से कुछ लोगों ने पड़ोसी राज्यों वगैरह की और देश के अन्य राज्यों की बात की है, सिर्फ पर्सपेक्टिव में रखना चाहूंगा। लास्ट ईयर जब कोविड का पहला वेव आया और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द कंट्री देखें तो जम्मू एंड कश्मीर जो था, वेदर इट वॉज केसेस, वेदर इट वॉज डेथ्स, वेदर इट वॉज इन्फेक्शन, 19th में था, 19वें नंबर पे था। और अगर हम आज की स्थिति भी देखें तो आंकड़े बेयर आउट करेंगे कि देश के अन्य रीजन्स के मुकाबले में हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारी जो स्ट्रेटजी है, पर्टिकुलरली ऑल इनकमिंग ट्रैवलर्स को टेस्ट करने वाली, आइसोलेट करने वाली, कंटेन करने वाली स्ट्रेटजी, और जो बाकी हमारे मिटिगेशन मेजर्स है, उनसे हमें काफी सफलता मिली है। और हमें आशा है कि अगर सब लोगों का, पब्लिक का सपोर्ट रहा हमें, तो इस बार भी हमारे मिटिगेशन मेजर्स जो है अच्छी हमें सफलता देंगे इसको कंटेन करने। अटल सर, माय क्वेश्चन इज टू यू, वी हर्ड रेमडेसिविर के बारे में, आपने सुना होगा कि कई स्टेट्स में इसकी शॉर्टेज सामने आई है। अभी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल है, हमारे स्टोर्स में अवेलेबल है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वो एक पॉलिसी पर काम कर रहा है कि पूरी देश में किस राज्य को कितना रेमडेसिविर मिला जाए उस पर वो एलोकेट करेंगे, तो उसके एलोकेशन के बाद फिर जो हमारा शेयर होगा वो हमको मिलता जाएगा।